अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर की 5 बड़ी खबरों की। लंबी छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष और अमेठी से सांसद राहुल गांधी आखिर आज घर वापस लौट आए हैं। मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने राहुल के घर पर उनसे मुलाकात की, जबकि घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। उधर दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर आगरा में एक चर्च पर हमला हुआ। हमलावरों ने चर्च में तोड़फोड़ की। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज सहारनपुर में किसानों के बीच पहुंचे। बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल से परेशान किसानों से गृह मंत्री ने आत्महत्या न करने की अपील की। तो वहीं पर्यावरण की रक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के कड़े रुख के बाद अब नोएडा प्राधिकरण भी हरकत में आ गया है। प्राधिकरण ने करीब 250 बिल्डर्स को नोटिस भेजा है। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सुराग के नाम पर अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो इन खबरों के अलावा भी कई अहम खबरें होंगी जिस पर हम नजर डालेंगे। बहरहाल आज बड़ी खबरें जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी जिस तरीके से 59 दिनों बाद लौटे हैं। सियासी एक तरीके से कहें बहुत ज्यादा उबाल आया था जब गए थे राहुल गांधी छुट्टियों पर। बहरहाल लंबी छुट्टी के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं। राहुल गांधी थाई एयरवेज की फ्लाइट से दिल्ली लौटे। उनकी फ्लाइट सुबह 11:35 पर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची थी। राहुल से मिलने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा उनके तुगलक रोड स्थित सरकारी घर पर पहुंची। वैसे तो एक लंबा शेड्यूल अब शुरू हो जाएगा राहुल गांधी का कि एक तरीके से कितने एक्टिव है ये बताने के लिए, लेकिन फिलहाल आज का दिन उन्होंने अपनी परिवार के लिए रिजर्व रखा हुआ है। तो वहीं जी मीडिया के पास राहुल गांधी के सफर का वो हवाई टिकट मौजूद है जिससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी थाई एयरवेज से 16 फरवरी को दिल्ली से बैंकॉक गए और आज यानी कि 16 अप्रैल को 59 दिन बाद सीधे बैंकॉक से दिल्ली वापस लौटे हैं। आप राहुल गांधी के सफर का हवाई टिकट तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि जब राहुल गांधी गए थे तो यहां कई तरीके के सवाल उठे थे कि आखिर राहुल गांधी चले कहां गए अचानक। संसद का उस वक्त बजट सत्र चल रहा था, उस दौरान बीच में ही कैसे चले गए राहुल गांधी, इस तरह के कई सवाल जरूर खड़े हुए थे। तो ये भी कांग्रेस की तरफ से ही बयान निकल के आते थे कई बार की मंथन करने गए हैं, उत्तराखंड गए हैं। बीच बीच में जब बैंकॉक की बात आती थी तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी नेता होते थे उनका गुस्सा भी जाहिर हो जाता था, लेकिन आखिरकार इस टिकट से बयां हो जाता है कि आखिर गए कहां थे राहुल गांधी। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के देश लौटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। राहुल की वापसी से गदगद कार्यकर्ताओं ने उनके तुगलक रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर जमकर आतिशबाजी की। तो राहुल की वापसी जिस पर जश्न मनाते हुए आज नजर आए कार्यकर्ता, तो राहुल गांधी की छुट्टी से वापसी को लेकर एक ओर जहां बीजेपी और शिवसेना ने निशाना साधा है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि राहुल की छुट्टी पर विरोधी क्यों परेशान है। ये कांग्रेस की चिंता का विषय है कि वो एक बार लुप्त हो जाते हैं तो पूरे देश में जो है वो समाचार बनता है, प्रकट होने वाले हैं तो वो देश में समाचार बनता है। तो वो कोई स्काई लैब तो है नहीं कि प्रकट होंगे तो पूरे देश में उसको लेकर के जश्न मनने वाला है। इसलिए कांग्रेस की अपनी समस्या है, उनके नेता लुप्त होते हैं, उनके नेता जो है वो ध्यान में चले जाते हैं, उसके बाद ध्यान से वापस आकर के फिर प्रकट होते हैं। तो ये सारे प्रकट होने और लुप्त होने का काम कांग्रेस में चलने दीजिए, हमें उससे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। वाई इज ऑपोजिशन कंसर्न्ड अबाउट दैट? ही इज अवर वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। व्हेन वी हैड इन्फॉर्म्ड द पीपल दैट ही हैज गॉन for a sabbatical, he has gone to introspect. So is this the problem of others? He is back and I have no doubt that he will be not only taking proactive measures but also with dynamism and with commitment provide leadership. जब राहुल गांधी दिल्ली में थे तो कोई देश का फायदा नहीं था, जैसा देश था वैसा ही रहा, और अब वापस आए हैं 50 साल के बाद तो भी देश आगे नहीं जाएगा, क्योंकि देश का भवितव्य आप गांधी परिवार से नहीं जुड़ा है, वो मोदी सरकार से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी का भवितव्य भी राहुल गांधी के साथ नहीं जुड़ा है, वो आज भी लोग कहते हैं सोनिया गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी अब आए हैं
देखना पड़ेगा कितने बदले हैं। तो बहरहाल राहुल की वापसी के साथ साथ ही कांग्रेस ने अगले कुछ दिन के राहुल गांधी का कार्यक्रम भी तय कर दिया है। आज राहुल का सिर्फ परिवार वालों से ही मिलने का कार्यक्रम है, जबकि पार्टी नेताओं से मिलने का अभी तक कोई कार्यक्रम तय नहीं है। तो शुक्रवार की बात अगर करें तो सुबह 10:30 बजे कांग्रेस सचिवों की बैठक में वो शामिल होंगे, तो वहीं शाम को 3 से 4 बजे के बीच देश भर के किसान नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं राहुल गांधी। इस बैठक में जयराम रमेश के साथ देश भर से करीब 18 किसान नेता मौजूद रहेंगे। तो वहीं 19 अप्रैल को राहुल गांधी किसान रैली में शिरकत करेंगे। 21 अप्रैल को यूपी के नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और अगले कुछ दिनों में राहुल गांधी देश का भ्रमण भी कर सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। पार्टी ने तैयार किया है करीब 1000 किलोमीटर का रोड मैप, राहुल गांधी की मंजूरी मिलते ही इसको अमली जमा पहना दिया जाएगा। तो ये एक पूरी तरीके से शेड्यूल है राहुल गांधी का, कल से जिस तरीके से वो तमाम बैठकें लेंगे, देश के भ्रमण का भी कार्यक्रम है, बस उनके परमिशन का इंतजार है और उसके बाद एक रोड मैप जो तैयार किया गया है इसको फाइनलाइज करके आगे बढ़ लिया जाएगा। बहरहाल एक ओर जहां राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी में ऐसे नेताओं की भी कमी नहीं है जो राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंगलवार को ही कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने एक इंटरव्यू में इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा था, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। शीला दीक्षित से पहले संदीप दीक्षित भी राहुल को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध कर चुके थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि शीला दीक्षित और उनके बेटे संदीप दीक्षित दोनों ही राहुल गांधी की गुड लिस्ट में नहीं है और टीम राहुल में शीला दीक्षित के धुर विरोधी अजय माकन को जगह मिली है। इसी हफ्ते पंजाब के कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि पार्टी में किसी भी तरह का बदलाव अध्यक्ष को बदलने से नहीं लाया जा सकता। बदायूं में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी सरकार को 508 करोड़ की मदद का ऐलान किया है। ये राशि बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के तौर पर दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुसीबत की घड़ी में केंद्र सरकार यूपी के साथ खड़ी है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सहारनपुर में भी किसानों की समस्याएं सुनी। राजनाथ सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो अपना धैर्य बनाए कर रखें और आत्महत्या ना करें। मैं मानता हूं किसान संकट में है, मैंने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए आज मैंने कहा है इन सब सारी चीजों के संबंध में हम राज्य सरकार से भी इस संबंध में बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सीधे केंद्र सरकार कोई सहायता वितरित नहीं कर सकती है, संघीय ढांचे की यह मजबूरी होती है, एक संवैधानिक व्यवस्था होती है। तो बेमौसम बारिश से हुई बर्बादी से सूबे के किसान मुश्किल झेल रहे हैं। बदायूं में फसल खराब और कर्ज से परेशान एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं किसान की बुजुर्ग मां की अपने बेटे की मौत के सदमे से मौत हो गई, जबकि देवरिया के बनहवा टोला गांव में खेत से कटकर आई कम फसल को देखकर एक किसान की पत्नी को इतना सदमा पहुंचा कि उसकी मौत हो गई। उधर फरुखाबाद के किसानों ने मुआवजा न मिलने पर अनोखे अंदाज में ही प्रदर्शन कर डाला। यहां पर किसानों ने पेड़ों पर दर्जनों फांसी के फंदे बनाकर प्रदर्शन किया। किसानों के मुताबिक अगर सरकार ने उनकी ना सुनी तो उन्हें इस फांसी के फंदे को गले लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इधर मैनपुरी में किसानों ने फसल नुकसान के सर्वे में लेखपाल पर धांधली का आरोप लगाया है। मामला टिंडौली मौजे तहसील का के सीतापुर गांव का है, जहां किसानों ने लेखपाल पर सर्वे के नाम पर 500 रूपये वसूलने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। फिलहाल तहसीलदार ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। यहाँ पे लेखपाल लाखन सिंह 500 रूपये बीघा मुआवजा मांग रहा है, उसके बाद आगे पैसे मिलेंगे। क्यों? फसल का नुकसान क्या कह रहे हैं? 500 रूपये मांग रहे हैं वो। किस बात के मांग रहे हैं 500? सर्वे करेंगे जब, पहले 500 रूपये बीघा के हिसाब से दो। अभी हमारी जानकारी नहीं आया तो आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी दी जा रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं उसके खिलाफ जाँच करके उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई।
नोएडा के इंजीनियर अंकित चौहान मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त अंकित का दोस्त गगन उसके साथ गाड़ी में मौजूद था। जिस सीट पर गगन बैठा था उस सीट से गोली निकली है, लेकिन सवाल यह है कि गोली सीट में लगी कैसे और गगन को खरोंच तक नहीं आई। पुलिस ने गगन को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इंजीनियर अंकित चौहान की हत्या को 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इंजीनियर की जिस गाड़ी में हत्या की गई थी वो यही फॉर्चुनर गाड़ी है। मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाएंगे और कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से गगन को पुलिस संदेह में लेकर चल रही है या बाकी लोगों से, अब तक बताया जा रहा है कि 75 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। इस गाड़ी की हालत हम आपको दिखाएंगे। ये लेफ्ट साइड की जो सीट है, इस सीट को फाड़ कर खुद पुलिस कर्मियों ने इसके अंदर से गोली निकाली है और इसी लेफ्ट वाली सीट पर गगन बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड गगन को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगर इस सीट के ऊपर गगन बैठा हुआ है तो इस सीट में गोली लगी है, तो गगन को क्यों चोट नहीं आई और उसको क्यों कोई खरोंच नहीं आई है। जिस जगह गोली लगी है वहां भी पुलिस ने एक सर्कल बनाया हुआ है। दूसरी साइड में जिस जगह अंकित चौहान बैठा हुआ था उस साइड में सामने वाले शीशे से एक गोली लगी हुई जो स्टेयरिंग पर लगते हुए अंकित को आकर लगी, शीशा टूटा हुआ है। तो गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, इस बात की गवाही यह गाड़ी की यह हालत दे रही है क्योंकि साफ तौर पर खून से सनी हुई यह गाड़ी है और जितनी गोलियां इस गाड़ी पर लगी हैं वो गोलियां कहीं ना कहीं गाड़ी के अंदर फंसी हुई है। पुलिस के सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि गगन की इस सीट के अंदर भी एक गोली लगी हुई थी। तो अगर सीट में गोली लगी है तो गगन कैसे उससे बच गया, तो तमाम पहलू ऐसे हैं जो पुलिस को भी सुलझाने बाकी हैं। लेकिन अभी तक पुलिस के अधिकारियों की माने तो 35 लोगों से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है और जितनी अकॉर्ड गाड़ियां हैं नोएडा में उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सीसीटीवी के आधार पर अकॉर्ड गाड़ी को तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होने से कहीं ना कहीं पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल निशान लगता दिख रहा है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। तो वाकई ये देखें तो इस मामले में कई ऐसे पेंच हैं जिसे सुलझाना शायद पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा। बहरहाल नोएडा के सेक्टर 71 में अंकित चौहान हत्याकांड अभी पुलिस के लिए एक पहेली ही बना हुआ है। पुलिस पूछताछ के जरिए सुरागों को तलाशने में जुटी है। नोएडा के एसपी सिटी दिनेश यादव के मुताबिक मामले की जांच के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। इन्वेस्टिगेशन कई बिंदुओं पर चल रही है, कई ऐसी जो लीड्स हैं जिनको वेरीफाई किया जा रहा है और अभी ये जरूर है कि अभी किसी पर्टिकुलर निष्कर्ष पे हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। कई लोगों को हम लोग संदेह की उसमें घेरे में रखे हुए हैं और उनको जो सूचनाएं हैं उनको वेरीफाई कर रहे हैं। एनजीटी के आदेश के बाद नोएडा प्राधिकरण ने करीब 250 बिल्डर्स को नोटिस जारी कर शपथ पत्र जमा कराने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि प्रदूषण की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीएम और एसएसपी को भी चिट्ठी भेजी गई और सड़कों पर नियम तोड़ने वाले डंपरों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो एनजीटी ने प्रॉपर गाइडलाइन बना रखी है, लेकिन अगर देखें तो लगभग 250 बिल्डर्स जिनको नोटिस भेजा गया है कोई भी नियम को नहीं मान रहा है। इधर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण यानी कि जीडीए ने 77 बिल्डर्स को नोटिस भेजा है एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन न करने के लिए। ये नोटिस भेजा गया है और 125 इंजीनियरों को अनुपालन के लिए लगाया गया है। जीडीए के वीसी संतोष यादव ने बताया कि अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो बिल्डर का नक्शा कैंसिल कर दिया जाएगा। दरअसल एयर डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए एनजीटी ने एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन तैयार की है, क्योंकि पोल्यूशन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि नोएडा गाजियाबाद हाई सेंसिटिव जोन्स हैं और यहां पर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा है। जो हम लोग जो बिल्डिंग बायलॉज है, जो एनजीटी का आदेश, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है। तो अगर जो इन आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसको एक नोटिस देकर उसका नक्शा निरस्त हो जाएगा। नक्शा अगर निरस्त हो जाएगा तो यानी कि उसकी अप्रूवल निरस्त हो जाएगी, तो ये बहुत कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा उसके बाद। ये आम आदमी के लिए भी उतना प्रभावी, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है।